उदयपुर से हमसे जुड़े हुए थे। तो आपको बता दें कि डूंगरपुर में हालात अभी सुधरे नहीं है, लगातार वहां पर बैठकों का दौर चल रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम अधिकारियों की वहां पर वार्ता चल रही है और लगातार ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद जो हालात है वो सुधरते हुए नजर आएंगे, लेकिन प्रदर्शनकारियों का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो बता दें कि अभ्यर्थियों से बातचीत के लिए एक टीम भेजी है। फिलहाल हालात वहां पर तनावपूर्ण है। बेरोजगार अभ्यर्थियों के हिंसा के मामले पर सीएमआर में बैठक हुई, जहां पर सीएम की अध्यक्षता में बैठक में मंत्री अर्जुन बामनिया और बीटीपी विधायक राजकुमार रौत, राम प्रसाद और कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा भी मुख्यमंत्री के समक्ष अपने पक्ष रखे। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीटीपी विधायक राजकुमार राव जी। राजकुमार जी, जिस तरीके के हालात बने हैं और उसके बाद यह भी माना गया कि अभ्यर्थियों का पक्ष सरकार के समक्ष रखा गया है, और फिलहाल जो बातचीत के बाद क्या कुछ हल वहां पर निकला जा सकता है? तो तकनीकी खामी की वजह से संपर्क नहीं हो पाया। बता दें कि ये लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। सीएम गहलोत ने अभ्यर्थियों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय करने का आश्वासन दिया है और एक बार फिर आंदोलनकारियों से मिलेंगे। प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। डूंगरपुर में हालात बेकाबू है, जिसे लेकर हालात चिंताजनक है। सरकार उस पर नजर बनाए हुए हैं और पुलिस बल वहां पर मुस्तैद है। तो डूंगरपुर में बेरोजगार अभ्यर्थियों के हिंसा के मामले को लेकर सीएमआर में बैठक हुई है। बता दें कि आज शाम को एक बार फिर आश्वासन के बाद आंदोलनकारी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेगा। सीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई, जहां पर बीटीपी विधायक समेत यहां पर मंत्री मौजूद रहे और सीएम गहलोत ने अभ्यर्थियों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय का आश्वासन जरूर दिया है। तो डूंगरपुर में जिस तरीके के हालात बने हैं, उसके बाद उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर उपद्रवियों का कब्जा हो चुका है। कई वाहन फूंके जा चुके हैं, इंटरनेट सेवाएं फिलहाल बंद है। सीएम गहलोत ने इसे लेकर सख्त आदेश भी दिया है। उन्होंने कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है और हालात को काबू करने के लिए लगातार बैठकों का क्रम चल रहा है। आज शाम को भी बैठक है, जहां पर जो आंदोलनकारी अभ्यर्थी हैं उनसे मुलाकात के लिए प्रतिनिधिमंडल उनसे बात करेगा और मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि इस पर सकारात्मक निर्णय किया जाएगा। तो उदयपुर और डूंगरपुर जिले की सीमा पर स्थित कांकरी डूंगरी में प्रदर्शनकारियों की ओर से की गई लूटपाट और तोड़फोड़ का मामला घेरवार तक पहुंच गया है। स्थिति काफी चिंताजनक है। ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नेशनल हाईवे 8 पर ये उपद्रवियों का जमावड़ा है, जहां पर कांकरी डूंगरी से तकरीबन 2 से 3 हजार अभ्यर्थी वहां पर मौजूद है और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीरें वाहनों को आग लगाने की है। कई वाहनों को फूंका जा चुका है। पेट्रोल पंप पर खड़े कई वाहनों के साथ तोड़फोड़ की गई है, साथ ही कई गाड़ियों को जला दिया गया।